चलो भाई, तो क्वेश्चन नंबर 61 में क्या दिक्कत आ रही है राम? देखोगे, फाइंड आउट द मीडियम फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आप चेक करोगे सीआई दिया हुआ है, सीआई कितना है भाई? लेस देन 100, 200, 300, 400, 500, 600। तो जब मीडियम पढ़ा रहे थे आपको एक चीज बताए, हमेशा जो नंबर होंगे आपके असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे, या तो सारे नंबर असेंडिंग में या सारे नंबर। तो चलो नोट करो फिर, जब क्लास इंटरवल की बात होगी तो सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका डिफरेंस चेक करो, कितने कितने का है, 100-100 का है। पहला क्लास इंटरवल हमारा कितना बना, 0 to 100 हो जाएगा, 100 to 200, 200 to 300 to 400, 400 to 500 and 500 to 600। नोट कर लो आप इसको, फिर चेक करोगे फ्रीक्वेंसी गिवन है 5, 8, 20, 20, 35 and 40। आप अगर चेक करो ना, लगातार फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है और ना ही डिक्रीज हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे सीएफ। सीएफ का मतलब क्या है भाई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये कितना हो गया, 5, 8 ऐड कर दिए 13, 20 ऐड कर दिए 33, फिर ये 53, ये 88, फिर ये कितना आ गया आपका 128, है ना। नोट करो, आगे बढ़े। अभी यही, इसीलिए बंद करके नहीं जाते, बंद करके चले गए, यही गड़बड़ हो गया। चलो आप कैलकुलेट कर लोगे तुम लोग, अगर आप ध्यान दो यहां पर मीडियन का फार्मूला क्या लगेगा, मीडियन इक्वल टू हो जाएगा आपका n/2। n का वैल्यू कितना है, 128, 2 से डिवाइड कर दे कितना आ गया 64। किस सीएफ में स्टेब्लिश है, इसके ऊपर की वैल्यू सी हो गई, सामने की वैल्यू फ्रीक्वेंसी, ये L1 हो गया, ये L2। अब फिर हम लोग फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, मीडियन इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F और M माइनस C। चेक करोगे L1 की वैल्यू कितनी है, 400 प्लस 500 माइनस 400, फ्रीक्वेंसी आपकी 35 है, मीडियन की वैल्यू 64 है, C की वैल्यू 53 है। क्लियर है यहां तक, 400 प्लस 100 × 11/35 कितना आ जाएगा, ये 400 प्लस 1100/35 डिवाइड करो और चेक करो। तो आंसर कितना आ रहा है सबका, कुछ तो झोल है इसमें। ये सीएफ ही है। हाँ,
देखो 5 और 8, 8 और 20 या कांस्टेंट हो गया, जीरो हो गई होगी, फिर 35 से 40 गया, दिख रहा कि नहीं, इंक्रीज है कि नहीं, तो ये एफ नहीं है, ये सी एफ है, यही सब गड़बड़ कर दिया है। चलो एफ निकाल लें हम लोग, ध्यान ही नहीं दिए हम, देखोगे ये 5 हो गया आपका, 8 माइनस 5 कितना आ गया, 20 माइनस 8 कितना हो गया 12, फिर 20 माइनस 20 कितना हो गया 0, 35 माइनस 20 कितना हो गया 15, 40 माइनस 35 कितना हो गया ये 5, ये सही है तुम्हारा, यही गलती हो गई। मीडियन इक्वल टू एन बाई टू हो गया, 40 को 2 डिवाइड कर दिए कितना आ गया ये 20। फिर मीडियन का फार्मूला आपको पता है, एल वन प्लस एल टू माइनस एल वन अपॉन एफ और एम माइनस सी। अब ध्यान दो 20 कहां पर आ रहा होगा, दोनों में आ रहा है, क्या करोगे फिर, एक सी एफ और निकाल लो इससे जो बने, वही बनेगा फिर। चलो मैं बता रहा हूँ, परेशान ना हो, चलो भाई अब 20 तो 2 है ना हमारे पास, ऑल्टरनेट एक चीज और तुमको पढ़ानी पड़ेगी, लिखो यहां तक तो बता रहा हूं, डीएक्स क्या मीडियन, मीन निकाल रहे हो तुम, मीडियन पढ़ रहे हो ना, लिखो 2-3 लाइन लिख लो, लिखोगे मीडियन नंबर 20 लाइज इन सी एफ 20 तो मीडियन क्लास इज इक्वल टू 200 350। ठीक है ना, एक लाइन और लिख लो, मीडियन नंबर 20 लाइज इन 2 सी एफ तो क्लास इंटरवल विल हैव मॉडिफाइड, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो तुम लोग इसको, एज फॉलोज, कैसे मॉडिफाई करेंगे हम लोग इसको, देखो भाई कैसे मॉडिफाइड होगा, नया क्लास इंटरवल हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सी आई लिखोगे 0 से लेके 100
सौ से, 200 से, 300, ठीक है भाई, इसी को मॉडिफाई कर देंगे हम लोग। इन दोनों का देखो अगर फ्रीक्वेंसी सेम है कि नहीं है। राम कैसे हो ही फिर हाँ? तुम नहीं जानते तो कैसे होगा फिर। इन दोनों को ऐड करो, 300 दो डिवाइड कर दिए कितना आ गया 350। तो हम फ्रीक्वेंसी को लिखे हैं 200 से लेके 350। कह रहा है कि 200 से 300 के बीच में, दरवाजा बंद करो सिम, ये वाला भी पंखा चलाओ, 200 से लेकर 300 के बीच में फ्रीक्वेंसी 20 है, और कह रहा है कि 300 से 400 के बीच में भी फ्रीक्वेंसी कितनी है 20 है। तो ऐसा क्लास इंटरवल कौन सा बन रहा है? तो कह रहा है चलो 350 ले लो, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, क्लास इंटरवल मॉडिफाइड कर दिया। तो हमने क्लास इंटरवल क्या ले लिया, 200 से लेकर 350। ये अपना दिमाग ये लिखे ना इसके लिए, इसीलिए इसको क्या कर दिया गया, मॉडिफाइड। हाँ वही का है, तुम्हारे में भी एडवांस प्रॉब्लम का है। ठीक है यहां तक। अब यहां पर क्या करोगे, 350 से लेकर 500, ठीक है। कैसे 500 आया, बताओ भाई। बोलेगा कोई? नहीं बोलेंगे। हमने क्या कर दिया, इन तीनों को मर्ज कर दिया है, ठीक है ना। ये 4 3 7 हो गया, 2 डिवाइड कर दिए, ठीक है। यहां पर 350 आ गया, इस तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इसका, 350। तो ये क्लास इंटरवल क्या हो गए, दोनों मॉडिफाइड हो गए। तो अगली क्लास इंटरवल तुम्हारी क्या बनी, 500 से 600, ठीक है। बाकी बातें सब सेम ही रहेंगी। लिखो फ्रीक्वेंसी 5 3 12। अब ये बात तुमको कैसे पता चला था कि वो जीरो है वहां तक की फ्रीक्वेंसी, ये यहां दिया हुआ है, ये बात वहां देखो लिखा है ना, फ्रीक्वेंसी क्या है वहां की, कैलकुलेट की हो ना, इसी से पता चला और इसी से उठा तुमने ऐड किया। तो 12 बाद क्या हो गया तुम्हारे यहां, 15 और 5। अब इसका सीएफ निकालोगे नया, 5 3 8 20 35 40, ठीक है राम, नोट करो। अब फार्मूला पुट कर दो, अपने आप आ जाएगा। हाँ ऊपर वाला लिखे, कैलकुलेट के तभी पता चला 2 है।
आ गया ना। तो देखोगे तुम लोग 20 यहां पर है, इसके ऊपर की वैल्यू क्या हो गई सी, इसी में आ रहा है वो। ये क्या हो गया तुम्हारा फ्रीक्वेंसी, ये L1, ये L2। फॉर्मूला पुट कर दिया हम लोगों ने, मीडियन इक्वल टू L1 की वैल्यू कितनी प्लस 350 माइनस 200 बाई 12, M की वैल्यू 20 है, कितना आ गई है 62 पढ़ो, बताओ कर पा रहे हो कि नहीं। क्या हो गया हो गया, आ जाओ भाई 62 पर आ जाओ। सब लोग पहले 62 अपने से कोशिश करो करें, चलें हाँ, जब दो फ्रीक्वेंसी रहेगी सेम तो मॉडिफाइड कर लेना। यहां पर फ्रीक्वेंसी सेम नहीं थी, यहां पर सीएफ सेम था। हाँ 62 करो सब लोग, निकालो कैलकुलेट करना है। इसमें आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी मीडियन की वैल्यू गिवन है, देखो सब लोग 62 में देखेंगे क्लास इंटरवल गिवन है भाई, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये सीआई है आपकी। फ्रीक्वेंसी आपकी गिवन है भाई 4, 7, 16, 10 और मिसिंग है ए है, ये है ना। अब जो मिसिंग है उसको हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, सीएफ कैलकुलेट कर लोगे
फोर हो गया, यहां पर फोर और सेवन ऐड कर दिए, क्या हो गया? इलेवन हो गया। इलेवन में सिक्सटीन ऐड कर लिया, कितना आ गया? ट्वेंटी सेवन। ट्वेंटी सेवन टेन ऐड कर लिया, कितना आ गया? थर्टी सेवन। थर्टी सेवन में एक्स ऐड कर दिया, कितना आ गया? थर्टी सेवन प्लस एक्स। कोई दिक्कत? मीडियन की वैल्यू जो गिवन है आपको कौन सी है ये? कोई दिक्कत की बात? आपको पता है मीडियन का फॉर्मूला कि मीडियन इक्वल टू क्या होता है? एन बाई टू होता है ना, इसकी जो वैल्यू हो। तो आप बोल सकते हो मीडियन इक्वल टू क्या होगा? 37 प्लस एक्स बाई टू। बात क्लियर है यहां तक? नोट करो, हाँ। अब आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है? L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F और M माइनस C। ध्यान रखो मीडियन की वैल्यू आपको पता है 25.625। L1 की वैल्यू, अच्छा एक बात और चेक करेंगे, ये जो वैल्यू दी गई है किस क्लास इंटरवल में होगा? 20 से 30 के बीच में होगा कि नहीं? तो ध्यान रखो यही हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया, ये L1 हो गया, ये L2 हो गया, इसके ऊपर की वैल्यू C हो गई। तो हमने L1 में क्या रखा? 20 प्लस 30 माइनस 20, F की वैल्यू कितनी है? 16। M का वैल्यू तुमने कैलकुलेट किया है बाई टू, और C की वैल्यू सबको पता है कितनी है? ये वैल्यू पुट कर लो पहले सब। प्रिंकेश जी क्लियर है? अब ध्यान दो, इसको आप लिख सकते हो 25.625 माइनस 20 इज इक्वल टू 10 बाई 16। अब इसका एलसीएम चाहो कितना आ गया? जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे एक, एलसीएम कितना? 37 प्लस एक्स माइनस 22। यहां तक बात क्लियर है? इसी को आप क्या लिख सकते हो? 5.625 इज इक्वल टू 10 बाई 16। हाँ चलो सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है 5 बाई 8, ये कितना हो जाएगा? 37 और उधर माइनस 22 है, तो 37 में 22 माइनस कर दो भाई, प्लस एक्स बाई टू। यहां तक नोट कर लो, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे एक लिख सकते हो ना। आप बताओ कितना आ रहा है? फाइव पॉइंट सिक्स टू फाइव में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5.625 में मल्टीप्लाई कर देंगे आप 8 का, ये 45 आ गया कि नहीं? इज इक्वल टू 5, 37 में 22 लेस कर दोगे कितना आ गया? 15 एक्स बाई टू। ये बात क्लियर है यहां तक? नोट कर लीजिए। अब क्या कर सकते हैं हम लोग? फोर्टी फाइव इज इक्वल टू 15 × 5 = 75 प्लस 5x अपॉन टू क्रॉस मल्टीप्लाई 90 इज इक्वल टू 75 प्लस 5x। ये आप इसको क्या लिख सकते हो? 15 कैसे आएगा? 90 माइनस 75
ये आप क्या लिख सकते हो, x इज इक्वल टू 15 बाई 5, x का वैल्यू कितना आ गया, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया है जिससे सिंप्लीफाई हो सके। क्या निधि, आज बड़ा साइलेंट का माहौल है ना, यही समझा रहे थे शुरू में। जब पहले स्टार्ट करते हो 10-15 सवाल इजी रहता है, फिर बताते हैं हम क्या हैं। अब सब लोग इसका बी पॉइंट अपने करें, क्या हुआ क्या भाई प्रिंकेश, सोने आयो क्या, सीधा बैठो एकदम। जब लोग खा खा के ज्यादा मोटे हो जाते हैं तो ऐसे ही हो जाते हैं। अरे साहिल से कुछ सीखो, साहिल को कल से लेके आएंगे परसों सुबह, एक दिन बेटा और सो लो तुम। आ जाओ भाई, 62 का बी, सीआई दिया कि नहीं दिया है, नोट कर लो भाई सी आई। फ्रीक्वेंसी गिवन है आपके पास 50-20 मिसिंग, सी एफ कैलकुलेट कर लो आप लोग। नोट कर लीजिए यहां तक, साहिल समझ में आ रहा है ना। हाँ मीडियन इक्वल टू कितना है भाई, आपको पता है कि n बाई 2 होगा, ये इसको आप क्या लिख सकते हो 55 प्लस x, नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल, काला अक्षर भैंस बराबर, इसीलिए देखो मैं लाल कलर से लिखने लगा, ये तुमको हो सकता है समझ में आए। साहिल एकदम क्लियर है, इसीलिए कहते हैं बेटा पढ़ो। साहिल को एकदम भाला ओला फेंकने वाले खेल में होना चाहिए, एक गलत जगह बेचारा फंस गया, यहां से फेंकते बघाड़ा चला जाए भाला। राम अपना, सब बेचारे घर वाले कह नहीं पढ़ो तुम, केवल पढ़ के फिर m इक्वल टू क्या हो जाएगा l1 प्लस l2 माइनस l1 अपॉन f और m माइनस c, ये फॉर्मूला है आपका। आप चेक करो देखो मीडियन की वैल्यू गिवन है कितनी, ये 24 किस क्लास इंटरवल में आ रहा है, तो ध्यान दो सी की वैल्यू पता चल गई, फ्रीक्वेंसी अननोन है, L1 L2 ये हो गया। तो लिखिए 20 प्लस 30 माइनस 20 बाई f, m का वैल्यू गिवन है 55 प्लस x बाई 2 माइनस सी की वैल्यू।
नोट करो, आगे बढ़ा जाए क्या? तो 24 माइनस 20 हो गया इधर, इज इक्वल टू 10 बाई एफ, इधर आ जाएगा आपका 55 प्लस एक्स बाई 2, ये एलसीएम ले लो डायरेक्ट करके इसको 2, ये माइनस 70 हो जाएगा। यह इसको आप क्या लिख सकते हो, 4 इज इक्वल टू 10 बाई एफ, अब प्लस माइनस करो आप लोग, अगर 55 इधर है प्लस में, उधर माइनस में 70 है, तो कितना आ गया इधर, बाई 2। यह क्या लिख सकते हो इसको तुम, 4f इज इक्वल टू 10, कितना आ गया माइनस 15 प्लस एक्स, क्लियर है यहां तक, बाई 2। ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत? अब इसी को आप क्या लिख सकते हो, 4f इज इक्वल टू 150, अगर 10 का मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 10x। एक चीज और ध्यान दो भाई, अगर इसको x माने हो तो इसको यहां x लिख दो, जहां जहां f है ये x हो जाएगा, ठीक है। यह इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन एक्स है ना, 4x था, इसको इधर क्रॉस कराओगे क्या हो जाएगा, प्लस का वैल्यू माइनस में हो गया ना, और ये माइनस 150, आप इसको लिख सकते हो माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस 150, एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 150 बाई 6, अपॉन 2, कितना आएगा 25 ही आएगा ना, तो लिखो भाई फिर, अच्छा हम लोगों ने यहाँ अपॉन 2 छोड़ दिया, सही कह रहे हो तुम, देखोगे तो 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 150 प्लस 10x, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 8x। ये आप क्या लिख सकते हो यहां पर, 8x माइनस 10x इज इक्वल टू माइनस 150, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 150, माइनस माइनस प्लस, तो इसको आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू 150 बाई 2, अब ये सही है 75। एक भी डिजिट हटा तो फिर ये तुम्हारा सी एफ देखो कितना, वो मीडियन की वैल्यू कितनी गिवन है, 24 है ना, 24 किस क्लास इंटरवल के बीच में रहता है, इसके पहले वाले में देखो मीडियन कितना है, किस क्लास इंटरवल में थे,
निधि, अब मोबाइल ही चलाओगे तो कैसे काम होगा? पढ़ोगे भी, मोबाइल भी चलाओगे, बात भी करोगे, तीन काम एक साथ कैसे जियोगे ऐसे तुम लोग? नवीन कभी किसी को मार ही नहीं सकता। नवीन को देखो डांट के चला गया बेचारा, कुछ बोला ही नहीं, तुम कह रहे उसको डांट रहा। अच्छा अब तो हम नहीं है, चलो आगे बढ़ो। सिक्सटी थ्री, कौन कौन कर लिया भाई 63? कर लियो? लाओ कॉपी लेके आओ विकास। चलो 63 और 64 होमवर्क है, कल चेक होगा। 65 पर आओ। में दो हैं, द मार्क्स ऑब्टेन बाई सम स्टूडेंट इन स्टैटिस इन अ पर्टिकुलर एग्जामिनेशन आर एजेंडर, दे दिया भाई। ऑब्टेन मीडियन मार्क्स डायरेक्टली एंड बाई ग्रुपिंग द मार्क्स इन क्लास इंटरवल, दोनों तरह से करने को बोला है, पहले डायरेक्ट मेथड से फिर इनडायरेक्ट मेथड। तो देखोगे इसमें वैल्यू कितनी है भाई, चलो लगाना ना, आज लगाना ठीक से फोर। अब 65 देखिए आप, इनका वैल्यू बताओ कितना है यहाँ पर, तो फॉर्मूला पुट कर दिया तुमने, सारी वैल्यू को सबसे पहले क्या किया, असेंडिंग में सेट कर दिया। सेट कर लोगे ना असेंडिंग ऑर्डर में, फिर 14th वैल्यू है आपकी, 14th वैल्यू कौन सी आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 22। तो मीडियन की वैल्यू क्या हो गई भाई, नोट करिए। फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है तुमको, बोल दिया 10 से 15, 15 20 से लेके, तो देखोगे लास्ट डिजिट क्या दिया इसमें 32, मतलब हम 30 35 तक के बीच के डिजिट को काउंट करना है हमको। तो 10 से 15 के बीच में कितने आ रहे चेक कर लो, 10 से 15 के बीच में कौन कौन आ रहा है, पहला तो 10 ही आ गया, सेकेंड रो में पहला अंक है, 15 आएगा नहीं, 10 से 15 में 15 नहीं आएगा, 14.99 डिजिट आएंगे। फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ वाले रो में देखो 12 है, फिर 6 में 13 दिया है, फिर लास्ट में देखो दिया 11 और 14, चार हो गए, टैली दे दो इनको। इस तरह के सवाल में टैली भी दी जाती है, अच्छा हमने नहीं दी है, टैली कर दो इनको, 1 2 3 4 5, इसका चेक करो 15 से 20 के बीच में 6 है,
यहां मीडियन का फार्मूला क्या होता है भाई, ये उठा वैल्यू पुट कर दिया तुमने, मीडियन दिया है 27 वैल्यू है एन की, 2 से डिवाइड कर दोगे कितना आ गया 13.5। किस सीएफ में है ये, इसके ऊपर की वैल्यू, सामने की वैल्यू, ये L1 ये L2, उठा के वैल्यू पुट करिए और कैलकुलेशन करिए, अपने अपने घर जाइए। चलेगा चलेगा, नोट कर लो। तो आज की हम लोग की बात यही है, 64, 65 सब लोग लगा के आएंगे, सॉरी 63, 64, जिसका नहीं आएगा कल बताया जाएगा।